दिल्ली में लड़की के साथ हुई दरिंदगी पर एक्शन तेज होता दिख रहा है। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह वारदात वाली जगह पर पहुंची है। शालिनी सिंह ने मौका वारदात पर क्राइम सीन का मुआयना किया। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह के साथ आला अधिकारी भी मौजूद रहे। टीवी 9 भारतवर्ष पर उन आरोपियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और 5 में से 2 आरोपी ये मान चुके हैं कि उन्हों शराब के नशे में थे वारदात के वक्त। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह वारदात वाली जगह पर पहुंची है, क्राइम सीन का मुआयना किया है। पुलिस अधिकारी जो इस कांड की जांच में जुटे हुए हैं उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश की है कि अब तक इस मामले में क्या क्या जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं, कितने सबूत उसके पास हैं। और अब आप देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी संवाददाता सुरभि, विवेक और श्रद्धा की ये रिपोर्ट। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कांझावला मामले पर पुलिस की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन के दायरे को आगे बढ़ाती जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही स्पेशल सीपी शालिनी सिंह के साथ पुलिस अधिकारियों की टीम कांझावला चौक से लेकर पूरे इलाके का मुआयना कर चुकी है। किस तरीके से अधिकारियों ने अभी जांच की है? देखिए बात की जाए तो आज शालिनी सिंह और साथ ही पुलिस के आला अधिकारी ज्वाइंट सीपी जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे। साथ में काफी तादाद में पुलिस बल मौजूद था। चप्पे चप्पे पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही थी तो काफी देर तक यहाँ पर शालिनी सिंह रही। उन्होंने पूरे मौका वारदात का मुआयना किया। जहां पर एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पर वो पहुंची थी और उसके बाद जहां पर जो युवती थी उसकी डेड बॉडी मिली थी वहां पर जो है शालिनी सिंह पहुंची और पूरा ये जो क्राइम सीन था उसका मुआयना किया गया। पुलिस का कहना यह है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है और साथ ही जो इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज है उन्हें भी खंगाला जा रहा है कि कुछ अन्य सबूत उनके हाथ में लग सके। महत्वपूर्ण है ये क्योंकि कृष्णा विहार से अगर हम बात करें वहां से शुरू होते हुए कृष्ण विहार से शुरू होते हुए जयंती गाँव तक ये पूरा एक लंबा स्ट्रेच है और इसी को लेकर आज पुलिस की टीम ने भी इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन विवेक हैरानी इस बात की क्राइम सीन पर गाड़ी आती है लेकिन आरोपी नहीं। देखिए बात की जाए तो आरोपियों को कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को देखते हुए शायद हो सकता है कि उन्हें लाल लेके आया गया हो, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय में पुलिस आरोपियों को लेके आएगी और एक बार फिर क्राइम सीन का रिक्रिएट जो है वो किया जाएगा। तो साफ है कि आरोपियों को लाया जा सकता है और साथ ही इस मामले में अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है उस पे सबसे बड़ी चीजें जो है सबकी टिकी हुई है क्योंकि उसमें क्या खुलासा होने वाला है ये सबसे बड़ा सवाल और इसी का जवाब घर वाले भी चाहते हैं। दिन भर आप उनके साथ भी कनेक्टेड रही हैं, परिवार भी इंसाफ की मांग कर रहा है ये कहते हुए कि मामले की जांच हर एंगल से जरूरी है। हर एंगल से और 2 एंगल की ज्यादा बात की कर रहे हैं परिवार वाले कि देखिए एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो आए और उससे पहले हमें हमारी बेटी की जो बॉडी है वो दिखाई जाए। जितनी भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हैं चाहे हम पूरा 14 से 15 किलोमीटर का ट्रैक किया वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सबका फुटेज हमें दिखाया जाए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।